नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में हर एक मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। यही वजह है कि आज सुपर 100 कार्यक्रम का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इस कार्यक्रम में होनहार छात्रों के सपनों को उड़ान मिलता है। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपर 100 कार्यक्रम की पहली छात्रा काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 31 लाख की सैलरी का पैकेज ऑफर हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम होनहार छात्रों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपर 100 कार्यक्रम की पहली छात्रा काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 31 लाख की सैलरी का पैकेज ऑफर हुआ है। फतेहाबाद के इंदाछोई गाँव की रहने वाली काजल वर्तमान में IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही है। सुपर 100 कार्यक्रम के पहले बैच के एक अन्य छात्र प्रवीण को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर ट्रेस्ट्रा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से 18 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। प्रवीण IIT दिल्ली के छात्र हैं और सिरसा के मुन्नावली गाँव के रहने वाले है। सुपर 100 प्रोग्राम के पहले बैच के छात्र इस साल कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो रहे हैं। भविष्य में और भी कई छात्रों का चयन होने की उम्मीद है। दोनों छात्रों ने साझा किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से चलाया जा रहा सुपर 100 कार्यक्रम ने उनके इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान किया है। इस कार्यक्रम ने उन्हें सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्होंने अपनी क्षमताओं को पूरे पोटेंशियल तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि सुपर 100 कार्यक्रम ने उन्हें जीवन में सही दिशा में बढ़ने की कला सिखाई है, जो उन्हें अगले कदमों के लिए तैयार करेगी। छात्रों ने हरियाणा सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है और उन्हें उनकी सहयोगी नीतियों के लिए सराहा है। इस महत्वपूर्ण मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी जो इस सफलता का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित किया है कि अगर इन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है तो वे भी किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम ने इसी उदाहरण को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है और हम उन सभी छात्रों को प्रेरित करते हैं जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रमों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया है और छात्रों को उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने का आत्मविश्वास प्रदान किया है। सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक सैकड़ों विद्यार्थी IIT, NIT और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुँच चुके हैं। इस तरह ये कार्यक्रम बहुत ही सफल एवं कारगर है, जिसके माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थियों ने वांछित सफलता पाई है, जो सरकार के शिक्षा नीति का परिणाम है। सरकार ने अब सुपर 100 कार्यक्रम को बढ़ाकर सुपर 600 कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। योजना के तहत सरकारी स्कूलों के गरीब, योग्य, मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भी यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में करीब 88,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गयी।
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुँचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त जरिए बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को जागरूक किया है। 150 गांव पंचायतों वार्ड में यात्रा को लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इन स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 88,000 लोगों ने भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान लगातार लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। 13 दिसंबर को भी लगभग 350 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी 368 नए लाभार्थियों ने आवेदन दिए। 21,000 से अधिक लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है और बड़ी संख्या में नागरिक अब विभिन्न परीक्षणों के लिए हेल्थ चेकअप शिविरों में आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही चिरायु हरियाणा योजना के तहत 3,200 से अधिक नए लाभार्थियों ने आवेदन जमा करवाए हैं। साथ ही निरोगी हरियाणा योजना के तहत 12,500 से अधिक लोगों के टेस्ट किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन जनसाधारण तक पहुंचने का एक नया माध्यम बन रही है। स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की भागीदारी भी उत्साह का काम कर रही है, जिससे यात्रा को हर दिन एक नई उमंग और जोश मिल रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभार्थी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा प्रदान किया है। दरअसल आउटसोर्सिंग पॉलिसी को तर्कसंगत बनाकर करीब 90,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करके ये तोहफा प्रदान किया है मुख्यमंत्री ने। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्चे कर्मचारियों को मनोहर तोहफा दिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशहाली। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठेकेदारों को चंगुल से बचाने के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी को तर्कसंगत बनाकर करीब 90,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करके ये तोहफा प्रदान किया है। इसके अलावा कर्मचारियों के नाम पर राजनीति करने वाले कर्मचारी यूनियन के प्रधानों को करारा जवाब दिया है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। कच्चे कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान और ईएसआई के नाम पर ठेकेदारों की ओर से किए जा रहे शोषण की शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि लोकतंत्र में कर्मचारी सरकार चलाने के लिए अहम कड़ी होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 सालों में सरकारी कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर पूरा कर 1,10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी। इसके अलावा करीब 60,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जिन विभागों में तत्काल कार्यबल की आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अहम भूमिका निभा रहा है। करीब 20 दिनों में विभागों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी के जॉब ऑफर लेटर जारी किए जाते हैं। विश्व की युवा जनसंख्या का करीब 40% प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर ग्लोबल नेतृत्व की निगाहें हैं। वे भारत के ब्रेन ड्रेन को अपने देशों में लाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को साल 2047 तक विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। उन्होंने युवाओं से अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए इनोवेटिव आइडियाज देने का आह्वान किया है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र भी मुख्यमंत्री की भर्ती प्रक्रिया के कायल हैं। पिछले 9 सालों की हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के पहली बार चंडीगढ़ के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर
डिजिटल बोर्ड लगे, रोज गार्डन, आर्ट कॉलेज, राक गार्डन और सुखना लेक सहित कई जगहों पर शैक्षिक भ्रमण आने विद्यार्थी भी डिजिटल विज्ञापन पर दर्शाए गए बिन पर्ची बिन खर्ची योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी के बारे में गाइड से भी पूछते हैं। इसके अलावा देश विदेश से आने वाले सैलानी भी इन विज्ञापनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग चाहे वो मीडिया से जुड़ा है या साहित्य से जुड़ा है या फिर सिविल सोसाइटी से जुड़ा है, हर कोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जानकारी ले रहा है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से पिछले 9 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जो काम संभव है वे वही करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें पार्टी नेताओं की नाराजगी भी क्यों न झेलनी पड़े। सच कहना, सुखी रहना मनोहर लाल की ही कार्यशैली। कई बार मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा उद्योगपतियों को भी दो टूक जवाब देते कि वो जमाना लग गया जब सफेद पोशों और बिचौलियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते थे। आज नौकरी की भी मुख्यमंत्री से पहुंच हुई है। सीएम विंडो और जन संवाद कार्यक्रम इस कड़ी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों की मुख्यमंत्री सीधी पहुँच हुई है। सीएम विंडो पर आई शिकायतों में से 10 लाख से अधिक का निपटान हो चुका है। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली तब से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कई बड़े काम किए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत की, जो आज लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह को हुड्डा को यहां पर निलंबित कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जनता को पारदर्शी शासन मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए राज्य सरकार की ओर से ऐसे शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इसी कड़ी में सीएम विंटो पर आई एक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित कर दिया है और साथ ही उसके विरुद्ध नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यालय से सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के लिए विभाग की ओर से कमेटी गठित की गई है और कमेटी की जांच रिपोर्ट में कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित करने के साथ साथ नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। भूपेश्वर दयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और आम जन के बीच सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन स्थापित करने के लिए सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली शिकायतों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं।
और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CHCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण ही हो चुका है, बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे
उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता यह है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल, अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6000 रुपया साल, तो 6000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में सक्षम युवा योजना को कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है बी, साल 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं कैथल से सुनील कुमार। सुनील, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो एक ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह, जो कि फरीदाबाद के ऊर्जा डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हमारी जो पहली योजना है वो है सोलर ट्यूबवेल, जो किसानों के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं हम उनको, जिन्होंने इलेक्ट्रिक के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा था लेकिन उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिले, उनको सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने सोलर पे जाएं और सोलर ट्यूबवेल लगवाएं। इसके लिए हम टाइम टू टाइम अपना पोर्टल खोलते रहते हैं और सारा कुछ ऑनलाइन ही चलता है। ऑनलाइन पोर्टल पे सरल haryana.gov.in पे एप्लीकेशन इन्वाइट की जाती है, उसके बाद मैं बेनिफिशरी शेयर एंड ये फर्म सिलेक्शन भी इवन किसान के उसमें ही रहता है कि वो ही अपने फर्म का सिलेक्शन करे। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ए 1 मई 2014, बी 1 मई 2017, सी 1 मई 2016, डी 1 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।